नमस्कार, मैं एडवोकेट हनुमत लोधी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और आपके पार्टनर ने कुछ समय बाद आपके ऊपर ही केस फाइल कर दिया है, उसमें बहुत सारे सेक्शन आपके ऊपर लग चुके हैं, आपके खिलाफ FIR हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे डिफेंस ले सकते हैं? और ऐसे कपल जो कि लिव इन रिलेशनशिप में इन फ्यूचर में रहने वाले हैं 2024 में, तो उनके लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। इसके साथ साथ लड़के के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो एक लिव इन एग्रीमेंट दोनों के बीच में ज़रूर एग्जीक्यूट करें, क्योंकि लिव इन एग्रीमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि आप लिव इन में अपनी दोनों की कंसेंट से रह रहे हैं और आप पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है और कोई भी व्यक्ति जो है एक दूसरे के खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं ले सकता है। इस प्रकार की कई प्रकार की कंडीशंस जो हैं लिव इन एग्रीमेंट में लिखी होती हैं, जिसकी वजह से लड़का भी सेफ रहता है और लड़की भी सेफ रहती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप दोनों एक लिव इन एग्रीमेंट बनवाएं, उसके बाद आप बहुत ही आराम से लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं।